offerings for all these saints. So hello guys, welcome back to our vlog. And here we go, this is Nitish Kumar. Hey, hi. And behind there is Palda. Hello. अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं एक दंपत्ति से मिलने, नवविवाहित दंपत्ति, उनके लिए अभी कुछ गिफ्ट लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। और जो गांव में वो रहते हैं, वो गांव का नाम है पटपटिया गांव। क्या? पोटिया गांव है। और ये पोटिया गांव फारबिसगंज में है। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको फारबिसगंज। तो गाइस, हम कुछ दिन पहले दार्जिलिंग गए थे। ये देखिए इसका यूट्यूब सर्च हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे, दार्जिलिंग में चाय पत्ती कहाँ अच्छा मिलता है, पांडे जी का बेटा। ये देखिए, यही है हमारा दोस्त। आज आपको गाना सुनाता हूँ, ये पांडे जी का बेटा हूँ। हरेश है ना, हरेश होगा ना भैया, बोला तो। हाँ, ये का शरीफा है का, फारबिसगंज थाना, जहाँ पे दो महीना बंद रहते हैं। आते हैं यहाँ बराबर। और बाबू देखा ना, साइकिल किसका है? मेरा। तुम्हारा है, चला ले हम थोड़ा सा। चलाइए, थोड़ा सा चलाइए। So guys, you can see. अरे मामू बधाई हो, अरे बड़ा दिन बाद मिले। क्या मिल तो गए ना। आ गए ना, हम लोग बोले थे आएंगे। नहीं पकड़ी है ना। सो फ्रेंड्स, हम हैं पेठिया पोठिया गांव में और ये है मामा का घर। ये है मामा। मामा बोलिए हाय। हाय शर्मा गए, नया नया शादी हुआ मामा का तो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। और ये जितना भेड़ बकरी गाय दिख रहा है, सब गाय दिख रहा है, हाथी भी दिख रहा हमको तो। हमको हाथी भी दिख रहा है, जिराफ भी दिख रहा है। दादा ए दिखे, देख सकते हैं बहुत ही विषम परिस्थिति में हम जा रहे हैं, अपने विषम परिस्थिति में है। और ये हमारे दोस्त है, ये बांस का पेड़ है। ओ, अच्छा, बहुत ही शानदार। नहाने जा रहे हैं और सिर्फ बांस ही बांस है यहाँ पर। अच्छा हुआ बता दिया, यूपीएससी के एग्जाम में आएगा। और ये देखिए, ये केक है पालदा का, बर्थडे में काटा जाएगा, तुमको खिलाया जाएगा। ये नीतीश है हमारे दोस्त, हाथी एक हमारा साथी के मेन कैरेक्टर, जो हाथी का रोल था करके रखा। हाथी एक हमारा साथी में जो हाथी का रोल किया था, उन्होंने इसी ने किया था हाथी का रोल। हम अभी आ चुके हैं बांस के खेत से, बहुत दूर आ चुके हैं। और ये कौन सा खेत है मामा? मक्का। इधर से आ रहा है, ये भुट्टा का मक्का, कॉर्न जिसको कहते हैं। जा रहे हैं नहर में नहाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस रूट को फॉलो करे तो उस रूट में एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से लंबा लंबा जाम लग गया है और वहाँ से हमें जाने नहीं दे रहा है। तो ये दूसरा रूट है, यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है, देख सकते हैं। अभी मुझे निकल करके ये जाम को ठीक करना है। बस बस, सीधा सीधा, बस बस, चलो चलो चलो, बढ़ाओ बढ़ाओ, सीधा सीधा लेके बाएं, चलो चलो, पार हो गया। तो सक्सेसफुली हमने वो क्रॉस कर लिया और शायद यही नहर है। मत जाइए, इधर पूरा जाम लगा हुआ है।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं नहर के पास में, और ये हमारा आगे देख सकते हैं नहर है, तिरंगे झंडे में पूरा तब्दील हो चुका है तिरंगे झंडे कलर। ये हमारा देश का आन बान और शान है तिरंगा झंडा, और उसी रंग में ये रंगा हुआ है। और ये नहर कितना शानदार लग रहा है नज़ारा। नमस्त्री, अभी जाएंगे नहाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर। चल दा, ये भी जाएंगे अभी भाई नहाने के लिए। तैरो तैरो तैरो। तैरो तैरो। बालदा इधर। ये हमारे हाथी पहली बार आपने तैरते हुए देखा होगा पानी में। सो गाइस, ये जो पानी है ये पानी कोसी नदी से आ रहा है, कोसी नदी जो कि नेपाल में है, नेपाल से बहते हुए पानी। नीतीश इधर आइए, कुछ बताइए इस नदी के बारे में। क्विक क्विक क्विक, टेल मी। ओ ब्रो ब्रो, ओके टेल मी। सो ये नहर है एक्चुअली। इंग्लिश नहीं, स्टॉप इट ब्रो। हाँ, ये नहर है जो एक बिहार की सौक माना जाता है, कोसी नदी। ठीक है, कोसी सौक क्यों माना जाता है? क्योंकि बाढ़ आता है बहुत सारा। अच्छा, इससे सौक फैलता है, लोग बह जाते हैं। हाँ, लोग बह जाते हैं, जो किसी का घर टूट जाता है, तो बिहार का सौक माना जाता है कोसी नदी, जो उधर वीरपुर से होकर बहती है उधर होते हुए। और ये भी कोसी नदी नेपाल से बह के आती है, ठीक है। और ये सब उसके छोटे छोटे नहर निकलते हैं जो कोसी नदी से, वो नहर निकलते हैं जो। ये देखिए कैसे नहा रहे लड़कियों के तरह में कपड़ा पहन करके। और ये पाल दा हमारा, और ये हम भी हैं। ये हमारी पार्टी हो रही है। ये हमारी पार्टी नहीं, पार्टी ना। रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं किनारे में। पाल दा, पुट सम कमेंट जोर से, जल्दी शैम्पू लगा कूदो। कूदो। अरे 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 अरे, एक कूदा। अरे बाप रे, पानी यहाँ तक छलांग मार दिया। पालदा समझा रहा, नहर में मुतेगा नहीं। सो अब इतने सारे मस्ती मजाक करने के बाद, नहाने के बाद में अब स्कूल चले हम। अब जाएंगे हम लोग नाश्ता करने मामा के घर। और यहाँ पे किसी का नहाने का मन नहीं था, ना पालदा का, ना दोस्तों का, किसी का भी। लेकिन देखा, एक सब रेडी हो गया, तैयार हो गया नहाने के लिए। सो अब हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे मामा के घर पे, और उसके बाद अब हम जाएंगे लंच करने किसी और के घर। आज दिन भर यही चलेगा। टेबल सज चुका है, ग्लास लग चुका है। आते हैं फिर, मुलाकात होगा बहुत जल्द। ठीक है, चलिए ठीक। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे दोस्त के घर लंच करने के लिए, और ये है उसका घर। संतोष, हमारा खाना रेडी हो रहा है, लंच। खीरा, अच्छा नॉर्मल ना बाबू, कोई दिन टाइम लग जाएगा। इधर देखो, मिला कितना दिन के बाद, हाथ में लो। चलो हंसो कर तुम, अपन है देसी इंसान, अपन नीचे बैठ के खाएंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर लिविंग दिस प्लेस। संतोष, रसगुल्ला खिला। जल्दी खाओ,
और हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा है, खाना बहुत ऑसम था, थैंक्स। थैंक यू संतोष, मम्मी मम्मी को थैंक यू बोल रही है मम्मी। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्दी नया डेस्टिनेशन पे, नया ट्रिप पे जरूर। चार दिन की चांदनी थी और आज चौथा दिन है, इसके बाद अब अंधेरी रात शुरू, काम ही काम। बाय संतोष, चल बाय करो बाय। हम लोग जा रहे हैं वापस, सीतम भैया छोड़ने के लिए आए हैं।